मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी में अब चीन की एंट्री हो गई है। मालदीव मामले को लेकर चीन की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन ने मालदीव को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। दरअसल चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत से चीन मालदीव संबंधों पर और अधिक खुलापन दिखाने की अपील की है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुज सोमवार को चीन की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर मालदीव को लेकर चीन का झुकाव इतना ज्यादा क्यों है और वो मालदीव की तरफदारी क्यों कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुज चीन के समर्थक माने जाते हैं, और यही कारण है चीन मालदीव को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, क्योंकि चाइना के खिलाफ भारत हमेशा सख्त रवैया अपनाता रहा है, और इसी को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ टिप्पणी की है। ग्लोबल टाइम्स ने एडिटोरियल में लिखा, चीन और मालदीव के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध साल 1981 में शुरू हुए। दिसंबर 2014 में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चीन मालदीव संयुक्त समिति की पहली बैठक लिए बीजिंग में मिले। 2017 में दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार में 95% से अधिक वस्तुओं के टैरिफ को शून्य तक कम करने की मांग की। साथ ही दोनों पक्षों ने अपने सेवा विभागों को और खोलने की प्रतिबद्धता भी जताई है। सफल द्विपक्षीय सहयोग में कई सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। साल 2010 में चीन लगातार 10 वर्षों तक मालदीव के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। 2022 में द्विपक्षीय व्यापार साल दर साल 10.1% बढ़कर $451 मिलियन यानी करीब 3,746 करोड़ रुपए हो गया। अपने एडिटोरियल में ग्लोबल टाइम्स ने BRI परियोजना के तहत बने चीन मालदीव मैत्री पुल की भी जमकर तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स ने मुइज्जुज को चीन से दोस्ती रखने पर दोस्ती का लाभ भी दिखाया। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा, अपने राजनीतिक अनुभव के माध्यम से मुइज्जुज ने देखा है कि चीन के साथ जुड़ने से मालदीव को कितना फायदा हो सकता है। माले के मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुइज्जुज को मालदीव की अर्थव्यवस्था और समाज पर BRI के सकारात्मक प्रभाव की स्पष्ट समझ थी। ऐसे में उन्होंने सक्रिय रूप से BRI में मालदीव की भागीदारी को बढ़ावा दिया। उनकी चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अपने पैमाने पर BRI के तहत सहयोग को मजबूत करने की उम्मीद है। पर्यवेक्षकों का व्यापक रूप से मानना है कि दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए संयुक्त प्रयास और हरित सहयोग सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। ग्लोबल टाइम्स ने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जुज के चीन दौरे की रिपोर्टिंग को लेकर भारतीय मीडिया के खिलाफ जहर उगला। उसने लिखा, भारतीय मीडिया ने मुइज्जुज की चीन की यात्रा पर काफी ध्यान दिया है। भारतीय मीडिया को पहले से अंदाजा था कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत यात्रा से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि इससे पता चलता है कि भारत दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और मांग करता है कि मालदीव सहित क्षेत्र के देश अपने राजनयिक संबंधों में भारत को प्राथमिकता दें। विशेष रूप से नई दिल्ली को उम्मीद है कि मालदीव बीजिंग के प्रति अपना टकरावपूर्ण दृष्टिकोण अपना सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने मुइज्जुज की चीन यात्रा में भारत को ज्ञान देने की कोशिश की। उसने लिखा, भारत से पहले चीन जाने के मुइज्जुज के फैसले का मतलब ये नहीं है कि वो चीन समर्थक और भारत विरोधी है। ये केवल यह दर्शाता है कि मुइज्जुज भारत के साथ असमान मानसिकता के साथ व्यवहार कर रहे हैं और मालदीव और भारत के बीच संबंधों को सामान्य संबंध की ओर ले जा रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में जब कोई नया नेता सत्ता में आता है तो वे निपटाए जाने वाले मामलों के महत्व और तात्कालिकता के आधार पर अपनी यात्राओं की व्यवस्था करते हैं। राष्ट्रपति मुइज्जुज ने भारत के बजाय अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए तुर्की जाकर परंपरा को तोड़ा। इसके बाद उन्होंने दिसंबर की शुरुआत में COP28 बैठक में भाग लेने के लिए UAE का दौरा किया, जो उनकी मान्यता को दर्शाता है कि ग्लोबल वार्मिंग से मुकाबला करना उनके लिए जीवन और मृत्यु का मामला है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।